दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अननोन नंबर्स से यानी अज्ञात नंबर्स से जो है उनके पास कॉल आ रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि आपका जो बच्चा है यानी आप जो है या जो स्टूडेंट्स फ़ोन उठा रहा है उसको कह रहे हैं कि आपका बच्चा फेल है या आप फेल है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे में उनको जो है फंसाया जा रहा है और उनसे मांग की जा रही है कि अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाना है, इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अज्ञात नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को फेल बताकर पास करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पैसे लेकर नंबर बढ़वाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में यूपी बोर्ड के आगरा मंडल ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को एडवाइजरी जारी की है और मंडल ने एडवाइजरी में साफ किया है कि फर्जी नंबरों से आने वाले कॉल पर तुरंत कार्रवाई करें। स्टूडेंट अपने स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। बता दें इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 47 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे, ठीक है। इन स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतज़ार। स्टूडेंट लगातार ट्विटर और फेसबुक में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 कब आएगा जैसे सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अभी तक यूपी बोर्ड के द्वारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इस बोर्ड में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। और दोस्तों मांग कितने रुपये की हो रही है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 5,000 रुपये तक की जा रही है मांग, ठीक है। यानी नंबर बढ़वाने को लेकर जो फ़ोन आते हैं अननोन नंबर से उनको क्या कहा जाता है कि 5,000 रुपये आप देंगे आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो बता दें कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पास कराने और नंबर बढ़वाने के लिए 2.5 से यानी 2.5 से लेकर के 5,000 रुपये तक की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत स्टूडेंट्स ने अपने शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल से की है। हैरान करने वाली बात यह है कि कॉल करने वाला बाकायदा छात्रों को उनके रोल नंबर, माता पिता का नाम आदि की नाम बताकर पहले वेरीफाई कराते हैं, यानी उनके पूरा डिटेल उनको बता देते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या, सब बता देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि उनके पास ये कहाँ से जो है इनके पास जानकारी इतनी कहाँ से आ जा रही है, कौन उनको बता रहा है, कहाँ से वो पा जा रहे हैं, ये एक बड़ा एक सवाल है। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कॉल आता है तो आप ज़रूर अपने प्रिंसिपल से स्कूल के वहाँ से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी मैं जो आपके सामने रखी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।